गाइस इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखने वाला है। पहले तो ये उड़ान देखिए, एक पिकॉक नीचे से एक पेड़ में जाके बैठता है। मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। अब ये देख लिया, अब ये दोनों पिकॉक्स हैं, इनमें फाइट करते हुए एक वापस उड़ के ऊपर मकान पे जाएगा, इस मकान पे ये चला जाएगा, उसके बाद में ये दूसरा भी वहीं जाएगा, उसके बाद में अब ये आवाज थी आपने सुनी, इसीलिए मैं शांत हो गया था। अब ये दूसरा वाला भी उड़ के ऊपर ही जाएगा, उसके बाद में ऊपर इस मकान पर, एक पंडित का मकान है मेरे गांव में। ये देखो ये फाइट किस बात के लिए है इन दोनों में, ये मैं आपको बताता हूं। पिछले 4 साल से मैं इन दोनों पिकॉक्स की वीडियो बनाता हूं और इनको फॉलो करता हूं। अब आप देखोगे कि ये दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जानी दुश्मन का मतलब तो सभी जानते हैं कि साथ भी रहेंगे। वाह क्या सीन है यार, एक कुत्ता बिल्कुल साथ से पास से निकल रहा है, पिकॉक को कोई डर नहीं, लेकिन वो छोटा पिल्ला है, बड़ा होता तो बिल्कुल अटैक करता। अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पे। पिछले 4 साल से ये दोनों एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, और उसका मुख्य कारण है ये पंडित का मकान, कि इसके ऊपर किसका अधिकार हो, इस पर अधिकार करना क्यों चाहते हैं ये, उसका मुख्य कारण है वो पंडित महाराज दाना डालता है और ये वहाँ चुगते हैं और अपने आप का अधिकार समझ के वहाँ नृत्य करते हैं और माताओं को इनवाइट करते हैं। और ये जो टाइम है, इस वीडियो को मैं मई के महीने में बना रहा हूँ और जून जुलाई अगस्त ये टाइम ऐसा है जो पिकॉक प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये सत्यता है दोस्तों कि पिछले 4 साल से मैं इनका फॉलो कर रहा हूँ और ये वाकई फाइट करते रहते हैं हमेशा, लेकिन रहते भी साथ साथ हैं। मैंने कई वीडियो ऐसे डाले हैं कि दो पिकॉक साथ साथ घूम रहे हैं, वो ये दोनों ही हैं, फाइट भी करेंगे लेकिन साथ भी रहेंगे। अब वो उड़ के ऊपर चला गया, अब ये भी इस चक्कर में है कि मैं भी ऊपर चला जाऊं और फाइट करना शुरू हो जाए। सुबह दिन में दोनों जैसे ही बड़े पेड़ों से नीचे आते हैं तो ये फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दो घंटे ये दाना चुगते हैं खेतों में से, ये एक पास में एक माता का स्थान है, वहाँ लोग चुगा डालते हैं, वहाँ जाके ज़्यादा चुगते हैं। हमारे इस एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि वो माता का स्थान जो है ना, वहाँ गांव के 50% से ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ पानी भर के जाते हैं और गेहूँ अनाज जितना भी अनाज है घर में वो सारा डाल के जाते हैं कि ये पक्षी इसी की वजह से हरे भरे हैं और जीवित हैं। और क्या बताऊँ आपको, यानी कि सब कुछ इनके पास है, यहाँ बड़े पेड़ हैं, खाने को दाने हैं और पीने को पानी है, और अंडे देने को छोटा मोटा झाड़ झींटी जंगल है। तो ये इसलिए पिकॉक्स नहीं, मेरे कमेंट्स जितने भी आते हैं लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए, अगर यहाँ भी ये सुविधा नहीं हुई, फैसिलिटी नहीं होगी तो ये भी ख़त्म हो ही जाएंगे। तो दोस्तों दिल से कहता हूँ ये राष्ट्रीय पक्षी, इसको बचाओ। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और मैं मेरे चैनल पे कितने वीडियो डाल चुका पिकॉक को बचाने के लिए। अब देखो ये फाइट, और देखो एक और फाइट, मतलब मैंने कहा है ना आपको, बस इनका यही काम है, बस फाइट करते रहना। यदि आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में कुछ अच्छा है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अरे राष्ट्रीय ये पक्षी है, राष्ट्र के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्या आप शेयर नहीं कर सकते, क्या आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते? और मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो डालते हैं उसमें से 60 से 70% तो पिकॉक के ही वीडियो डालता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है
कि कोई कुछ भी करे, मुझे ये वर्ड अच्छा लगता है। और बस इसके वीडियो मेरे को यूट्यूब पे डालने हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आखिर हर 50 या 40 वीडियो के बाद कोई ना कोई तो वायरल होगा, कोई तो ध्यान देगा इस पक्षी पर। दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वीडियो का लास्ट है और आप इस वीडियो को फेसबुक पे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें यदि आप मेरे को चाहते हो तो।